हेलो फ्रेंड्स, एमजेडे स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पद्म पुरस्कार 2023 की घोषणा हो चुकी है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किन किन को पुरस्कार दी जाएगी और किस क्षेत्र में दी जाएगी। ये आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि देखिए, पद्म पुरस्कार 2023 की घोषणा 74वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर की गई, जिसमें पद्म विभूषण 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 को और पद्मश्री 91 हस्तियों को, यानी कुल मिलाकर 106 पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। अब देखते हैं पद्म विभूषण किन किन लोगों को दिए जाएंगे। तो देखिए, पद्म विभूषण 6 लोगों को दिए जाएंगे, जिसमें से श्री बालकृष्ण दोषी, इन्हें मरणोपरांत दिया जाएगा, ठीक है, और इनके साथ अन आर्किटेक्चर है उन्हें भी दिया जाएगा, तो ये गुजरात से हैं। सेकंड में है श्री जाकिर हुसैन, जिसका संबंध कला से है और ये महाराष्ट्र से है, ठीक है। श्री एस एम कृष्णा, इन्हें सामाजिक कार्य के लिए दिया जाएगा, ये कर्नाटक से है। श्री दिलीप महालनोबिस, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाएगा, ये पश्चिम बंगाल से हैं। श्री श्रीनिवास वर्धन, इन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए दिया जाएगा, ये यूएसए से है भारतीय, ठीक है। उसके बाद श्री मुलायम सिंह यादव, इन्हें मरणोपरांत दिया जाएगा, इन्हें सामाजिक मामले के लिए पद्म विभूषण दिया जाएगा, ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके बाद पद्म भूषण 9 विभूतियों को दिया जाएगा, जिनमें से श्री एस एल भैरप्पा, इन्हें साहित्य और शिक्षा के लिए दिया जाएगा, ये कर्नाटक से हैं। श्री कुमार मंगलम बिड़ला, इन्हें व्यापार और उद्योग के लिए दिया जाएगा, ये महाराष्ट्र से हैं। और श्री दीपक धर, इन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए दिया जाएगा, ये महाराष्ट्र से हैं। उसके बाद श्रीमती वानी जयराम, इन्हें कला के लिए पद्म भूषण दिया जाएगा, ये तमिलनाडु से हैं। उसके बाद स्वामी चिन्नाजीयर, ये और इनके साथ अन्य अध्यात्मवाद है, उन्हें दिया जाएगा, ये तेलंगाना से हैं। श्रीमती सुमन कल्याणपुर, इन्हें कला के लिए दिया जाएगा, ये महाराष्ट्र से है। श्री कपिल कपूर, इन्हें साहित्य और शिक्षा के लिए दिया जाएगा, ये दिल्ली से है। उसके बाद श्रीमती सुधा मूर्ति, इन्हें सामाजिक कार्य के लिए दिया जाएगा, ये कर्नाटक से है। और श्री कमलेश डी पटेल, इन्हें और इनके साथ अन्य अध्यात्मवाद, इन्हें दिया जाएगा, ये तेलंगाना से हैं। और पद्मश्री जो 91 विभूतियों को दिया जाएगा, लेकिन 91 का नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, उनमें से जो मेन है उन्हें हम लोग देख लेते हैं। देखिए, 91 विभूतियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिनमें रवीना टंडन है, इन्हें कला के लिए दिया गया है, ये महाराष्ट्र से, ये अभिनेत्री है। उसके बाद नाटू गीत के लिए एम किरावनी को दिया जाएगा, ये कला के क्षेत्र में इन्हें दिया जाएगा, ये आंध्र प्रदेश से है। और रतन चंद्र कर, इन्हें चिकित्सा के लिए दिया जाएगा, ये अंडमान निकोबार से है। और हीराबाई लोबी को दिया जाएगा सामाजिक कार्य के लिए, ये गुजरात से है। तो इन सबको पद्मश्री से नवाजा जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।